हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है वो पिवोट के लेकर के है। फिर से एक बार पिवोट टेबल पर आधारित सवाल हमसे पूछा गया है, तो आइए देखते हैं पिवोट क्या होता है, कैसे इंसर्ट करेंगे, ये तमाम बातें जानेंगे। तो सबसे पहले तो एक्सेल ओपन करता हूँ। अब ये एक्सेल का 2007 है, ठीक है, देख सकते हैं ये एक्सेल का 2007 है। आपके पास जो भी वर्जन हो, तरीका यही होगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कोई हमारे पास डेटा है नहीं, तो यहाँ पर एक डेटा हम इंसर्ट कराएंगे। सबसे पहले तो यहाँ लिख देते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ प्रोडक्ट के नेम आएंगे और एंटर करते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट के नेम लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे कीबोर्ड, फिर यहाँ लिख दिया माउस, फिर यहाँ लिख दिया मॉनिटर, फिर यहाँ लिख दिया हमने मॉडम, फिर यहाँ लिख दिया एलईडी, फिर यहाँ लिख दिया एलसीडी। इसी तरीके से और भी प्रोडक्ट्स आएंगे, जैसे हार्ड डिस्क हो गया तो यहाँ लिख दिया एचडीडी, और इसी तरीके से एसएसडी है तो एसएसडी भी लिख दिया, और फिर यहाँ पर आएगा प्राइस, तो यहाँ लिख देते हैं प्राइस इसकी, ठीक है। तो जो भी प्राइस है रिलेटेड प्राइस वो यहाँ आएगी, जैसे कीबोर्ड 400 रुपये का है, माउस 300 रुपये का है, मॉनिटर 6700 का है, मॉडम आपका 1200 का है, एलईडी आपकी 12000 की है, एलसीडी आपकी 8000 की है। तो ये जो भी प्राइस है वो यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये हार्ड डिस्क 1000 का है, एसएसडी आपकी 1700 रुपये की है। तो ये सारे प्राइस यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन एक दिक्कत है, ये प्राइस रुपीस में नहीं आ रहा है। तो इसको हम सेलेक्ट करके क्या करते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा जनरल, इस जनरल में जाइएगा और ये करेंसी से बना दीजिएगा, तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। और अब बात करते हैं क्वांटिटी की, तो यहाँ पर आएगी क्वांटिटी, ठीक है। तो जो भी क्वांटिटी हो वो यहाँ पे डाल दीजिएगा आप। तो जैसे मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी यहाँ पर हम देते चलते हैं, यहाँ पे लाइन से ये देखिए इस तरीके से ये क्वांटिटी हो गई, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे दे दिया है, देख सकते हैं। और अब यहाँ पर आएगा टोटल प्राइस, ठीक है। तो ये हो गया टोटल अंडरस्कोर प्राइस, PRICE, तो टोटल प्राइस हो गया। और यहाँ पर आकर के इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे और ये मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर तो आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे टैक्स की बात कर लेते हैं, तो ये टैक्स यहाँ पर लगाएंगे हम, तो टैक्स जो भी लगेगा उसके लिए आप चाहे तो ड्रॉप डाउन बना सकते हैं या ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, या फिर इतना ही रख सकते हैं। तो अब इसके लिए मान लीजिए पिवोट टेबल आपको देना है, कंट्रोल ए करिए, पूरा सेलेक्ट होगा, ऑल्ट एच बी ए कर दीजिए, बॉर्डर लग जाएगा, ऑल्ट एच ओ आई कर दीजिए, तो ये रिसाइज भी हो जाएगा। अब इसे डेटा में कहीं पर भी क्लिक करके इंसर्ट टैब पे क्लिक कीजिएगा, जैसे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहां पर नजर आता है आपको पिवोट, ये दिख रहा होगा आपको पिवोट, दिख रहा है ना, तो बस यहां पे क्लिक करना है और पिवोट टेबल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं ये विंडो ओपन होती है, आप इस विंडो को ध्यान से देख लीजिए, क्रिएट पिवोट टेबल की विंडो है। ये लिखा हुआ है चूज द डाटा दैट यू वॉन्ट टू एनालाइज, यानी जिस डेटा को आप एनालाइज करना चाहते हो वो डेटा आप ले लीजिए। तो सेलेक्ट है यहां से हम न्यू वर्कशीट पे जाएंगे, आप चाहे तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे भी आ सकते हैं, सेम वर्कशीट पे, तो इस पे टिक करेंगे, लेकिन फिलहाल हम न्यू वर्कशीट पे जा रहे हैं और यहां से ओके कर देंगे। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है, जो कि बिगिनर्स होते हैं, स्टार्टिंग में जिन्होंने लिया होता है उनके लिए कंफ्यूजन हो जाती है। देखिए किसके बेस पे आप फिल्टर करेंगे, तो हम नेम ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे डालें तो उसकी प्राइस वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक आती चली जाए, तो ये हमने कर दिया। तो यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट डाला है, तो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट के नेम आपको लाइन से दिखाई पड़ रहे हैं, देख सकते हैं। एनालाइज करना डेटा को बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब यहाँ पे हम प्राइस ले लेते हैं, तो अभी देखिए सारे का मिला करके टोटल प्राइस कितना आया हुआ है, 31300 दिख रहा है। अब यहां से हम सेलेक्ट करते हैं एक चीज, कीबोर्ड सेलेक्ट करते हैं, ये कीबोर्ड पे जाके ओके किया, तो कीबोर्ड की प्राइस कितनी है, 400 रुपए, है ना। अगर मान लीजिए कि इसकी क्वांटिटी भी देखनी है तो क्वांटिटी भी आ गया 6 है, और टोटल भी देखना है तो टोटल भी आ गया, देख रहे हैं। लेकिन मान लीजिए ये कीबोर्ड का नहीं देखना था, किसी और का देखना था, किसका देखना था, हार्ड डिस्क का, तो यहां हार्ड डिस्क पे गए, ओके कर दिया, हार्ड डिस्क का टोटल जो आ रहा है सम आ रहा है, यानी एक हार्ड डिस्क की जो प्राइस है वो यहां पे शो हो रही है, लेकिन 9 कुल मिला के क्वांटिटी है इसकी और कुल मिला के प्राइस कितनी है, 9000, ठीक है। अब ये देखना पड़ेगा शीट 1 पे जाके आपको कि हार्ड डिस्क का 9000 है कि नहीं है। तो देखिए यहां पर
आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका टोटल जो है 9000 ही है और 1000 इसकी प्राइस और 9 ही लिया गया है। तो ये वो तरीका है, ठीक है। अब क्या करना है, अब वापस आते हैं यहां पर। अब मान लीजिए कि यहां से हम चेंज कर देते हैं, देखिए यहां से हमें एसएसडी का देखना है तो एसएसडी पर जाकर के टिक कीजिए और ओके कर दीजिए, तो यहां सारी चीजें एसएसडी की आ जाएंगी, यानी एसएसडी की जो वैल्यू है यानी प्राइस है 1700 रुपए है और 8 क्वांटिटी जो है सेल करी गई है और कुल मिला के 13600 रुपए का है। तो यहां चेक कर सकते हैं एसएसडी, बिल्कुल जो डेटा मैं बता रहा था जो आपने देखा अभी वही डेटा है, देख सकते हैं यहां पर। इसे मैंने एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी किया है और यहां पर आते हैं तो देखिए ये सेम चीज यहां पर आपको दिखती है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको सबका देखना है एक साथ, तो आप ऑल पर टिक कर दीजिए, ये ऑल पे गए और यहां से ओके कर दीजिए, तो सबका सम दिख रहा है, क्वांटिटी भी सम दिख रही है और ये भी दिख रहा है। लेकिन एक एक प्रोडक्ट का देखना हो तो यहां से सेलेक्ट मल्टीपल आइटम दिया हुआ है, सबको सेलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा तो यहां पर ही आ जाएगा। अब लेकिन देखिए यहां पर ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने क्या लिया हुआ है, नेम ऑफ प्रोडक्ट के बेस पे मैं फिल्टर कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं किसी और चीज के बेस पे फिल्टर करना चाहूं तो वो भी कर सकता हूं। कैसे कैसे होगा ये उसको देखना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहां जो ये नेम ऑफ प्रोडक्ट आया है इसको मैं हटा रहा हूं। कैसे हटा रहा हूं देखिए जरा, यहां पर ये हमारी पिवोट टेबल थी। अब हम क्वांटिटी के बेस पे सर्च करेंगे या प्राइस के बेस पे, तो यहां प्राइस आ गया, देख रहे हैं यहां पर टिक करेंगे तो प्राइस आ जाएगा, लेकिन हम इस प्राइस को उठा करके रिपोर्ट फिल्टर में डाल देंगे। अब प्राइस के हिसाब से हम खोजेंगे, प्राइस के हिसाब से प्रोडक्ट का नेम, तो यहां प्रोडक्ट नेम आ गया है, सारे नेम आपको दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन यहां से अगर मैं 1000 सेलेक्ट करता हूं तो केवल वही वाला प्रोडक्ट दिखेगा जिसकी प्राइस 1000 है, देख सकते हैं ना, है कि नहीं कमाल का। अगर मान लीजिए कि आपने यहां प्राइस कुछ और चेंज कर दिया, यहां पर देखिए 12000 रुपए कर दिया, तो 12000 की एलईडी है, आप देख सकते हैं यहां पर अपने शीट वन पे आएंगे तो एलईडी कितने की है, 12000 की है। तो आप किसी चीज के बेस से फिल्टर कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, पिवोट अगर आपको आता है तो। उम्मीद करता हूं पूरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से जैसे भी चाहे आप फिल्टर कर सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ, ठीक है ना। और वीडियो तो पसंद आएगी ही। अब देखिए यहां पर हम हैं और अगर मैं प्राइस चेंज कर देता हूं, देखिए फिर वही चीज दिखा रहा हूं, 6700 किसकी प्राइस है, ओके किया तो यहां मॉनिटर की प्राइस ये तुरंत बता देगा। तो डेटा बहुत बड़ा होगा तो ऐसे कंडीशन में ये सब दिक्कत होती है आपको, तो बड़े ही आसानी के साथ आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है, और आप पिवोट लगा करके बड़े आसानी के साथ काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। पिवोट लगाने से हमारा सारा काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका कि नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।